हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की ओर से आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और अप्लाई भी करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो वेबसाइट है, ये जो लिंक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग इजीली क्लिक करके इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले आप लोगों को डेट देख लीजिए, 3/6/2023 से आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके जो क्लोजिंग डेट है 24/6/2023 इसके क्लोजिंग डेट है। सबसे पहले हम लोग को क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज पर आएंगे, इसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम भरना होगा। नाम के आगे दोस्तों आप लोगों को श्री श्रीमती मिस्टर मिसिस कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। और ये जो नाम है दोस्तों, आप लोगों का जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नाम भरने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए, उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी है उसको भी भर लीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर आप भर लीजिए, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग को डिस्प्ले में दिखने लगेगा और वही जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आपको अपना ईमेल पे भी सेंड किया जाएगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से और जो हम लोग का जो लॉगिन आईडी मिला है और जो पासवर्ड हम लोग को मिला है उसको यहाँ पे डाल के इसमें हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेंट नेम यानी आप लोगों का नाम इसमें सब भरना होगा, वो भी कैपिटल लेटर में, और जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अनुसार यहाँ पे भरना होगा। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे पिताजी का नाम भरना होगा। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे अपना मम्मी का नाम भरना होगा। इसके बाद इसमें आपका आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही आधार नंबर डालते हैं, इसमें आप लोगों को नेशनलिटी पूछा जाएगा तो इसमें इंडियन ही होगा। इसके बाद जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, फिर ट्रांसजेंडर है, आप लोग उसके हिसाब से डाल दीजिए। कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग डाल दीजिए। उसके बाद आप लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है उसमें ये मेंशन कर देना होगा। मेरा फेस में है इसलिए मैं फेस लिख दे रहा हूँ। इसके बाद पूछा जा रहा आप PWD कैंडिडेट यानी आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद जो इसमें पूछा जा रहा है आप लोग अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं कि नहीं, तो इसमें यस कीजिए या नहीं कीजिए, आप लोगों के हिसाब से कर लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग जो डिफेंस एम्प्लॉय है कि नहीं है, इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है। उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि आप लोग जो पर्सनल फोर्स में है कि नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है इसमें डालना होगा। सबसे पहले आपका एक पोस्ट, आपका जो गांव का है और जो पोस्ट ऑफिस है उसको डाल देना होगा। सेकंड में आपका जो पुलिस स्टेशन है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद लैंडमार्क यानी आपके जो भी आमने सामने कुछ ऐसा लैंडमार्क होगा उसको डाल दीजिए। मेरा मेन रोड में ही घर है इसीलिए मैं मेन रोड में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट चुन लीजिएगा। स्टेट चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक चुनना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे आपका पिन कोड मांगा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप लोगों का जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है सेम ही कि डिफरेंट है, तो इसमें मेरा यस है, आप लोगों का डिफरेंट है तो डिफरेंट डाल के इसमें आप लोग भर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा, इसमें आप लोग 8th पास है तो इसमें नॉन ITI भी भर सकते हैं, 10th पास ITI भी भर सकते हैं, उसमें 10th पास नॉन ITI भी भर सकते हैं। तो इसमें मैं 10th पास ITI हूँ तो इसमें भर लेता हूँ। उसके बाद इसमें जो 10th का है आपको इसमें 10th का डिटेल्स डालना पड़ेगा। इसमें पूछा जा रहा है जो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो आप जिस भी बोर्ड में एग्जाम दिए हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो आपका जो ऑब्टेन मार्क्स है, आप कितना लाए थे, कितना में से लाए थे, इसमें टोटल मार्क्स में आप लिख दीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद ITI पास है या फिर वेटिंग फॉर रिजल्ट है आप लोग इसमें कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम, आप कौन सा इंस्टीट्यूट में आप ITI पास किए हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें ईयर ऑफ पासिंग, इसमें ट्रेड आप लोग इसमें दे दीजिएगा। इसमें आप लोगों का टोटल मार्क्स पहले पूछा जा रहा है, उसके बाद पहले आप लोगों को अब टेंड मार्क्स देना होगा।
आप लोग कितना मार्क्स लाए हैं, उसके बाद इसमें आप लोगों का टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है। उसके बाद इसमें ट्रेड सिलेक्शन आपको इलेक्ट्रिशियन चूज़ करना होगा, यानी जो भी आप लोग ट्रेड चुने हैं उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे चूज़ करना होगा। उसके बाद अभी आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जैसे आप लोग फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं आपका फॉर्म आधा भर के रेडी हो जाएगा। तो देखते हैं फ़ोटो में आप लोगों का जो होना चाहिए, आप लोगों का जो फ़ोटो होना चाहिए, इसमें आप लोगों का फ़ोटो मांगा गया 80% आप लोगों का फेस कवर हो जाना चाहिए, और जो आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 50 से लेकर 100 KB के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर की अगर बात करें उसमें भी वही है, 50 से 100 KB तक ही आप लोगों को मांगा गया है, और ये JPG फॉर्मेट में आप लोगों को मांगा गया है। तो इसमें पहले हम लोग फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही फ़ोटो सिग्नेचर डाल देता हूँ, उसमें अभी मांगा जा रहा है कि आप लोगों का जो 10th मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद ITI का मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके बाद जो ST SC OBC जिसमें से भी आप बिलोंग करते हैं उसका जो सर्टिफिकेट बनता है उसको भी आप लोगों को इसमें अपलोड करने होंगे। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करने होंगे, और पैन कार्ड अगर है तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ अपलोड करके मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अपलोड सक्सेसफुली आ गया। जैसे आप लोग इसमें ब्राउज कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड कर लेते हैं, तो इसमें अपलोड का सक्सेसफुली का पॉपअप दिखने लगेगा, और इसमें व्यू डॉक्यूमेंट भी आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद सेम टू सेम हम लोग इसमें भी वैसा कर लेते हैं। इसमें अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल है तो इसमें आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का पैन कार्ड अपलोड माने नहीं है तो इसमें आप ये वाला ऑप्शन छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में आइएगा, उसके बाद ये जो है दोस्तों इसमें आप लोगों को टिक मारना जरूरी है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन में आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि क्या आप इस फॉर्म को सच में आप लोग सबमिट करना चाहते हैं, तो इसमें यस कन्फर्म में आप लोग क्लिक। देखिए दोस्तों, मेरा फॉर्म जो है वो भर के रेडी हो गया, वो आ गया, पूरा फाइनल सबमिट हो गया है। और आप लोग भी इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।